नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल पे में UPI ID डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप गूगल पे के अंदर UPI ID डिलीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों जीपे की यानी कि गूगल पे की आईडी को डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल के अंदर गूगल पे को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे अपनी पिन डालिए। तो दोस्तों गूगल पे के अंदर आने के बाद आपको राइट साइड में टॉप में एक यहाँ पर प्रोफाइल का एक आइकन दिखाई देगा। इसके अंदर आपके अकाउंट का पहला वर्ड होगा जो भी होगा आपका, या फिर आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स भी हो सकती है जैसा कि आपने डाली होगी। सिंपल सा आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो बैंक होंगी वो यहाँ पर आपको शो होगी। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर बैंक पर क्लिक करना है, उसके अंदर UPI ID होगी, उसको हम डिलीट करेंगे। तो हमारी ये बैंक ऑफ बड़ौदा, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको बैंक के अंदर ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी UPI ID शो हो जाएगी। ठीक है, अब आपको UPI ID डिलीट करना है, उससे पहले आपको UPI ID पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, UPI ID पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपका ये बकेट का ऑप्शन आएगा, आप सिंपल से बकेट पर क्लिक कर दें। बकेट पर क्लिक करने के बाद नीचे आएगा डिलीट लास्ट UPI ID विल बी डिलीट अकाउंट। ठीक है, तो ये अगर आपकी लास्ट UPI ID तो अकाउंट आकर डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पर ये UPI ID पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी। देखिए यहाँ प्रोसेस चल रही है, तो देखिए यहाँ पर UPI ID डीएक्टिवेट है ना। तो इस तरह से हम गूगल पे के अंदर UPI ID को डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।